हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हलीम और आज बसंत पंचमी है और हम माँ सरस्वती की प्रेयर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा रहेगा बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। और इनके लिए मैं बताऊंगी, अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं या जो भी एंट्रेंस दे रहे हैं, क्योंकि आज तो पढ़ाई का दिन है, इनके लिए मैसेजेस क्या रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स। तो आप अपना नंबर देखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है। जिनका नंबर वन रहेगा वो 19 वाले भी वन में आएंगे, 10 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी वन से देखेंगे। तो 1 to 9 नंबर्स के लिए पहला तो कौन सा कलर लकी रहेगा आपके लिए, वो कलर अपने साथ लेकर जाएं, एग्ज़ाम्स में तो बहुत लकी रहेगा। और क्या लाइफ पर्पस रहेगा, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए, वो एंजल्स से हम मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर वन की। नंबर वन के लिए कलर है येलो और आप अपने साथ येलो कलर ले रख के जाएंगे तो एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे होंगे, आपको याद रहेगा जो आपने पढ़ा है। और नंबर वन के लिए जो एंजल मैसेज दे रहे हैं वो है चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, करियर रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये महीना फेब। तो आपने क्या करना है, येलो कलर अपने पास रखिए जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, और वैसे भी अपने आसपास आप येलो रख सकते हैं कुछ दिन जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो करियर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू के लिए कलर यूज़ करना है आपको ब्लू। अगर आप ब्लू कलर यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे आपकी लाइफ में और एग्ज़ाम्स में भी गुड लक रहेगा। तो नंबर टू के लिए जो मैसेज है वो ये कह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपने जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से ही आपके मार्क्स आएंगे, कुछ भी मैजिक नहीं होगा। तो आपने पढ़ाई करनी है खूब, पर जस्टिस ज़रूर होगा, अगर आपने बहुत मेहनत की है तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री के लिए लकी कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर आप यूज़ कीजिए, कुछ दिन अपने साथ वो कलर भी आप रखिए और फिर देखिए कि आप पढ़ाई में भी ध्यान दे पाएंगे, कंसंट्रेशन में भी ध्यान रहेगा। नंबर थ्री के लिए जो मैसेज है एंजल्स का वो यही है कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, नंबर थ्री के लिए स्ट्रेस रहेगा। तो आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो वो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाएंगे। बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर के लिए मैसेज है, पहले तो कलर ग्रीन कलर यूज़ करना है आपको, ग्रीन कलर अपने पास रखेंगे तो पावर रहेगी। एंड नंबर फोर के लिए जो मैसेज है वो रहेगा कुछ ट्रैवलिंग रह सकती है, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम्स के दौरान इन दिनों में कहीं जाना पड़े तो ट्रैवल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव है, तो ट्रैवलिंग आपको और ज़्यादा प्रमोट करेगी और ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा लेके आएगी। बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव के लिए कलर रहेगा पर्पल, पर्पल कलर यूज़ कीजिए, जो वॉयलेट कलर पर्पल कलर है वो अपने आसपास रखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। आपका मैसेज क्या है, एंजल्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस रहेगी, बहुत रहेगा, जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे भी ज़्यादा आपके मार्क्स रहेंगे। तो ये फेब आप ये कलर अपने आसपास रखिए, आपको बहुत काफ़ी गुड लक रहेगा और काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहेंगी आपकी। अब बात करते हैं नंबर सिक्स की। नंबर सिक्स वालों के लिए आपको यूज़ करना है वाइट कलर, वाइट कलर अपने आसपास रखेंगे तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहेंगी आपकी, वाइट कलर यूज़ कीजिए। और मैसेज जो है आपका वो है, जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, हीलिंग का टाइम है। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम थी, अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, कहीं कोई एग्ज़ाम्स में फीवर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक होने लगेगी। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे रहेंगे। बात करते हैं नंबर सेवन की। नंबर सेवन के लिए यूज़ करना है डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे, अपने आसपास वो कलर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
मैसेज है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी कंसंट्रेशन के ऊपर। ऐसा नहीं करना है कि आप पढ़ाई करते जा रहे हैं बट ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो ही आपको वो याद रहेगा। तो इस वक्त आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 के लिए कलर यूज़ होगा लाइट ब्लू, बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू कलर यूज़ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड मैसेज है आपका प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तक अगर आप ओरली काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लिख लिख के भी प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैसेजेस एंजल्स दे रहे हैं, एंजल कार्ड्स के मैसेजेस हैं, तो आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं लास्ट नंबर, नंबर 9 की। नंबर 9 के लिए कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे तो आपको गुड लक रहेगा। एंड गुड लक हमारा हमारे साथ होगा अगर आप ये कलर यूज़ करेंगे, बिकॉज ये एंजल्स ने सेंड किया है आपके लिए इस महीने। और इनका जो मैसेज है वो यही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, गॉड आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, प्रोटेक्शन है आपके आसपास। आपको अपने भगवान को याद करके अपने एग्ज़ाम्स देने जाने हैं। और ये था नंबर 1 to 9 के लिए प्रिडिक्शन। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।